राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उससे काफी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनिष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया, बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र, सन 1822 से 91, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे। औरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, सन 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, सन 1869 से 1926, दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। आर जी भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पूर्ण विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भत्सना की शोध के लिए पूरे जोश के साथ भी के राजवाड़े ये मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हरेक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग वामन काने, सन 1880 से 1972, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द धर्माशास्त्र शीर्षक उनका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए राजनीति और राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। इसका उचित श्रेय पुरालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, सन 1875 से 1950 को जाना चाहिए, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थानों पर किताबें लिखी। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद राय चौधरी, सन 1892 से 1957 ने किया। उन्होंने महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया, उनका प्राचीन भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया 6वीं शताब्दी पर जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में भी ए स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश विद्वान के कई दृष्टिकोणों की निंदा भी की। उनका इतिहास गंभीर विद्वता का द्योतक तो है, लेकिन उसमें उम्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं, जब वे अशोक के शांति की नीतियों की भर्त्सना करते हैं। कई खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखकार सी मजूमदार, सन 1888 से 1980 के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री, सन 1892 से 1975 ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया में यही दृष्टि अपनाया, किंतु दक्षिण भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली संक्षिप्त है, मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है।